अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको शोरबे वाली आलू की कतियों की रेसिपी बताती हूँ। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं जिन्हें मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और जो मुझे मसाला चाहिए वो मुझे 1 चम्मच ज़ीरा चाहिए, 1 चम्मच नमक चाहिए और 1.5 चम्मच सूखी मिर्च चाहिए, हरा धनिया, हरी मिर्च है। और ये मैंने 2 टमाटर लिए जिन्हें मैंने क्यूब्स में काट लिया और आधा कप मुझे ऑयल चाहिए। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे एक पैन रखा है, इसमें मैं ये ऑयल डाल दूंगी। ऑयल ज़रा सा गर्म हो तो मैं इसमें ये ज़ीरा डाल दूंगी। ज़ीरा ब्राउन हो गया, अब इसमें टमाटर डाल दूंगी। टमाटर के साथ ही मैं नमक डाल दूंगी इसमें। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मैं इसे ढक्कन ढक के 5 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी जब तक टमाटर गल जाए। टमाटर अब ये भून गए, अब मैं इसमें ये आलू डाल दूंगी। आलू के साथ ही मैं सूखी मिर्च डाल दूंगी इसमें और मैं इसे भून लूंगी आलूओं के साथ टमाटरों को। आलू टमाटर के साथ भून गए हैं, अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ये मैंने 1 किलो पानी लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया और मैं 15 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रख दूंगी आलू गलने तक के लिए। अब मैं इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और साथ ही ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दूंगी। और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये आपको शोरबे वाले आलू कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़।